हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या चल रहा है? ये लॉगरिथमिक का 34th वीडियो इज गोइंग ऑन। ये 11th का तीसरा यूनिट है। पहला यूनिट इनइक्वालिटीज के 18 वीडियोस अपलोड कर दिए। दूसरा यूनिट मॉड्यूलस 31 वीडियो अपलोड कर दिए। और ये तीसरा यूनिट चल रहा है लॉगरिथमिक, और इसका ये 34 चला है। अभी एक दो तीन वीडियो और इसके में बनाएंगा ताकि लॉगरिथम की इनइक्वालिटीज बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ये जो अपना सीरीज चल रहा है ये पूरा 2 साल तक चलेगा। कितने साल तक चलेगा? पूरे 2 साल तक, माना फ्री ऑफ कॉस्ट, घर में बैठे बैठे JEE मेन का कंसेप्चुअल पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। एक एक सॉल्व करते जाएंगे। सॉल्यूशन 1, गिवन दैट लॉग ऑफ x-2 अपॉन x-3 टू द बेस 7 लेस देन 0। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में सबसे पहले क्या करना? डोमेन निकालना। व्हाट इज डोमेन? डोमेन बोले तो लॉग के अंदर जो होता है वो ग्रेटर देन वो 0 होना चाहिए। नाउ फॉर डोमेन x-2 अपॉन x-3 ग्रेटर देन 0, ये सीधा सीधा इनइक्वालिटी आ गया। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनइक्वालिटी के वीडियोस देखो। इनइक्वालिटीज और मॉड्यूलस समझ में आया तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी समझ में आता है। और आगे हम क्वाड्रेटिक लेंगे, कॉम्प्लेक्स लेंगे, समेशन ऑफ सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज लेंगे, एवरीवेयर अपने को इनइक्वालिटी लगेगा। इसीलिए गो थ्रू इनइक्वालिटी। नाउ 0 is x equal to 2, pole is x equal to 3, critical points are x equal to 2, 3, greater than 0 है, होलो सर्कल होगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 चाहिए। देयरफॉर डोमेन इज एक्स बिलोंगिंग टू ये भी वैल्यू हो सकते हैं, ये भी वैल्यू हो सकते हैं। माना ग्रेटर देन 0 आने के लिए एक तो दोनों भी पॉजिटिव चाहिए या दोनों भी निगेटिव चाहिए, ठीक है। ये हो गया डोमेन। अभी डोमेन आने के बाद हमें क्या करना है? वी वांट टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन करेंगे। नाउ इनइक्वालिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट? इनइक्वालिटी डिपेंड्स ऑन बेस। बेस इज 7, 7 इज ग्रेटर देन 1, इसीलिए इनइक्वालिटी बदलेगा नहीं। सो हमारा कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम अभी मिटा देंगे, तो डोमेन लिख के रखता हूँ -∞ to 2 यूनियन 3 to ∞। इसको मिटा देंगे एज a equal to 7 greater than 1 inequality not changes x-2 upon x-3 greater than 7 raised to 0। अरे कुछ समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है? logarithmic inequalities plays an important role। इसमें आधा तो inequality ही होता है। सो इफ यू आर एक्सपर्ट इन इनइक्वालिटीज
पहला जो यूनिट था इनइक्वालिटीज, उसमें यदि आप मास्टर है तो इसमें धोखा नहीं खाएंगे, इसमें डोमेन निकालते हुए इनइक्वालिटी लगता है, इनइक्वालिटी लिखते हुए भी इनइक्वालिटी लगता है, खाली इसका नाम लॉगरिथम है, काम इनइक्वालिटी का है, नाम लॉग का है, काम इनइक्वालिटी का है। सो ये क्या आ गया रे, x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री, 7:0 इज 1। इनइक्वालिटी सॉल्व करते हुए RHS में 0 होना चाहिए, x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री माइनस 1 ग्रेटर देन 0। हमने LCM ले लिया, सो x माइनस टू माइनस x प्लस थ्री अपॉन x माइनस थ्री, x x कट गया, इट इज 1 अपॉन x माइनस थ्री ग्रेटर देन 0। हमने गलत लिखा रहे, ये इनइक्वालिटी लेस देन है, ये इनइक्वालिटी लेस देन है, तो यहाँ हमने लिखा नॉट चेंजेस और चेंज करा दिया, गड़बड़ हो गया ना। सो ये हो गया लेस देन, ये हो गया लेस देन, ये भी हो गया लेस देन, ये भी हो गया लेस देन। सो चेंजेस होता नहीं बोले तो इनइक्वालिटीज एज इट इज रहेगा। सो बोलो व्हाट इज पोल, पोल इज एक्स इक्वल टू 3, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट इज एक्स इक्वल टू 3। सो एक्स इक्वल टू 3 पॉजिटिव, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, उसके राइट में पॉजिटिव देन निगेटिव, लेस देन 0 बोले तो एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 3। नाउ व्हाट इज फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन एंड सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। नाउ फाइनल सॉल्यूशन इज इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन एंड इनइक्वालिटी। ठीक, देखो डोमेन क्या बोला, देखो डोमेन बोला होलो, थ्री से इन्फिनिटी तक जा रहा है, या टू टू माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। सॉल्यूशन क्या बोला, थ्री से इन्फिनिटी तक जा रहा है, दिस इज एक्स इक्वल टू 3। इधर में तो आने का कोई चांस नहीं, इंटरसेक्शन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 2 तक, और ये क्या था रे, लेस देन 3 था ना, सो ये आ गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक। नाउ सॉल्यूशन इज एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 आ गया। सो पहले डोमेन निकाला, इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू द बेस पॉइंट 2 लेस देन और इक्वल टू 1। सो
सॉल्विंग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी इज नथिंग बट अप्लाइंग द नॉलेज ऑफ इनइक्वालिटी. इसमें इनइक्वालिटी के सिवा कुछ नहीं है. हर बार इनइक्वालिटी लगाओ, हर बार इनइक्वालिटी लगाओ, हर बार इनइक्वालिटी लगाओ, सॉल्व करते रहो, इनइक्वालिटी लगाओ, हाँ वो बाकी कुछ नहीं. सो फॉर डोमेन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन जीरो, देखो जीरो इज एक्स इक्वल टू माइनस वन, पोल इज एक्स इक्वल टू जीरो. व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? माइनस वन कॉमा जीरो, दिस इज एक्स इक्वल टू माइनस वन, दिस इज एक्स इक्वल टू जीरो. ग्रेटर देन जीरो है, क्या होगा रे? एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, जीरो टू इन्फिनिटी. सो यहाँ मैं डोमेन लिख के रखता हूँ. डोमेन इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन कॉमा जीरो टू इन्फिनिटी. जीरो इज नॉट इंक्लूडेड. कुछ भी हो जाए जीरो इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इनइक्वालिटी इज ग्रेटर देन जीरो. नाउ आगे क्या किया जाए? अरे आगे क्या किया जाए? थिंक ऑन बेसिस. बेसिस ए इक्वल टू पॉइंट टू लेस देन वन, इनइक्वालिटी चेंजेस. एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू पॉइंट टू रेस टू वन. पॉइंट टू रेस टू वन का मतलब होता है, पॉइंट टू का मतलब होता है वन बाय फाइव. वन बाय फाइव का वैल्यू होता है पॉइंट टू. सो इट इज एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाय फाइव. वो वन बाय फाइव को बोला आ जा फाइव इंटू एक्स प्लस वन माइनस एक्स अपॉन फाइव एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. क्योंकि इनइक्वालिटी सॉल्व करते हुए आर एच एस में जीरो होना चाहिए. सो इट इज फाइव एक्स प्लस फाइव माइनस एक्स अपॉन फाइव एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. सो इट इज फोर एक्स प्लस फाइव अपॉन फाइव एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. What is zero? Zero is x equal to minus 5 by 4. Pole is x equal to 0. What are the critical points? X equal to minus 5 by 4, 0. Minus 5 by 4 pe kya hoga re? डार्क सर्कल. जीरो पे क्या होगा रे? होलो सर्कल. पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव. हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस फाइव बाई फोर यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी. सो पहले हमने आर्ग्यूमेंट को ग्रेटर दैन जीरो करके डोमेन निकाला. पॉइंट टू बेस है, लेस दैन वन है, तो इनइक्वालिटी को बदल दिया एंड अकॉर्डिंगली वी गॉट सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी. एंड व्हाट इज फाइनल सॉल्यूशन? फाइनल सॉल्यूशन इज द इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन एंड इनइक्वालिटी. ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा रे? दोनों में जीरो टू इन्फिनिटी तो कॉमन है,
माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, माइनस वन से छोटा माइनस फाइव बाय फोर है। सो फाइनल सॉल्यूशन इज इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन एंड सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। एक्स बिलोंगिंग टू सो यदि इसके बीच में का कौन सा भी वैल्यू आप ले लो, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगा। सो बोलो मेरे साथ, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज डिपेंड्स ऑन नॉलेज ऑफ इनइक्वालिटी। अरे है नहीं है, डोमेन निकालना, डोमेन निकालना बोले तो जो लॉग के अंदर दिया उसको ग्रेटर देन जीरो लेना। अरे बराबर है, बराबर है, ग्रेटर देन जीरो लेना, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, डोमेन आ जाएगा। बेस को चेक करना, लेस देन वन है, ग्रेटर देन वन है, ग्रेटर देन वन है, इनइक्वालिटी बदलेगा नहीं, लेस देन वन है, इनइक्वालिटी बदलेगा। इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन एंड डोमेन का इंटरसेक्शन। सो फाइनल सॉल्यूशन इज द इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन एंड सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, नाउ तीसरा प्रॉब्लम, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन वैसे बहुत अच्छे रहे थे, वो तीन घंटे में खाली हमको धोखा दे के चले जाते। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री। ये सभी क्वेश्चंस अलोंग विथ ऑप्शंस है, इसमें चार चार ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको ऑप्शन को टिक करना है, बाकी कुछ नहीं। वो ऑप्शन लिखने के बाद प्रॉब्लम, बोर्ड छोटा है प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ। नाउ सॉल्व, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू टू द बेस टेन लेस देन और इक्वल टू जीरो। सॉल्यूशन फॉर डोमेन, सबसे पहले डोमेन करते, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे बोले तो फॉर्मूला लगाएंगे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी होल डिवाइडेड बाय टू ए, ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू माइनस टू, सी का वैल्यू माइनस टू। सो एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ टू, माइनस ऑफ माइनस टू प्लस और माइनस, माइनस टू का स्क्वायर अपॉन दीदी, दीदी बोले दादा को गुस्सा आता, दादा बोले दीदी को गुस्सा आता, दोनों को एक साथ बोलेंगे दीदी और दादा। सो ये क्या हुआ, टू चार प्लस आठ, चार प्लस आठ आ गया बारह, बारह इज नथिंग बट टू रूट थ्री, और ये आ गया वन प्लस माइनस रूट थ्री। सो कितने सॉल्यूशंस आए रे इसको, क्वाड्रेटिक को दो सॉल्यूशन रहते, ग्रेटर देन जीरो है, होलो सर्कल आएगा, ग्रेटर देन जीरो है, होलो सर्कल आएगा,
राइट में ऑलवेज पॉजिटिव लेना, अल्टरनेट प्लस माइनस लेते जाना, ग्रेटर देन जीरो बोले तो पॉजिटिव इंटरवल्स आर टू बी टेकन। कौन से इंटरवल्स लेंगे रे? पॉजिटिव इंटरवल्स लेंगे। सो व्हाट इज डोमेन? अरे व्हाट इज डोमेन? देयरफोर डोमेन इज x belonging to minus infinity to 1 minus root 3 union 1 plus root 3 to infinity। कोई बोला ये लेने का है, कोई बोला ये लेने का है, और दोनों भी करेक्ट है, उसका यूनियन ले लो। क्या ले लो? यूनियन ले लो। सो हमने दिया हुआ लॉगरिथमिक इक्वेशन का डोमेन निकाला। क्या निकाला रे? डोमेन निकाला। एज ए इक्वल टू 10 ग्रेटर देन 1, इनइक्वालिटी नेवर चेंजेस, या इनइक्वालिटी बदल रहा है नहीं बदल रहा है। सो एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस टू 10^0, एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस टू लेस देन और इक्वल टू 1, 1 को बोला इधर आ जा। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर पाड़ेंगे, प्रोडक्ट इज लास्ट टर्म, एडिशन इज मिडल टर्म, माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस 3, माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2। सो फैक्टर्स क्या क्या आए रे? एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। सो दोनों भी क्या होंगे रे? डार्क सर्कल होंगे। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये कैसे आता है? ये अभी मैं कितना भी समझाऊँ समझने का कोई चांस नहीं। ये समझना है तो यूनिट नंबर 1 इनइक्वालिटी देखना, समझ में आ जाएगा। सो एक्स बिलोंगिंग टू माइनस 1, 2, 3 So, what is final solution? Final solution is the intersection of, देखो भाई, ये 1 plus root 3 है, root 3 is 1.67 के आसपास होगा, 1.6 से लेकर infinity जा रहा है, लेकिन positive कहाँ तक जाना चाहिए? Only 3 तक। सो ये आ गया 1 प्लस रूट 3 टू 3 क्लोज्ड। ये बोलता है माइनस 1 से लेकर 1 माइनस रूट 3, ये माइनस 1 से बड़ा है, ठीक है ना? फाइनल सॉल्यूशन इज इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन एंड सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। सो 1 माइनस रूट 3 ये पॉजिटिव होगा, नहीं निगेटिव ही होगा, रूट 3 इज 1.6 के आसपास। सो एक्स बिलोंगिंग टू माइनस 1, माइनस 1 इज क्लोज्ड, कॉमा 1 माइनस रूट 3, यूनियन 1 प्लस रूट 3 इज ओपन एंड 3 इज क्लोज्ड, ठीक है? सुनो रे,
सो ये प्रॉब्लम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसको 15-20 मिनट लगेंगे सॉल्व करने को, और ऑलमोस्ट वीडियो 25-26 मिनट का हो चुका है, बड़ा हो गया तो फिर बोर हो जाता है। ठीक है, बचे हुए प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में देखते, तब तक के लिए आयुष, थैंक्स।